कविशाला में आप सभी का स्वागत है। एक और फिल्म के साथ में हम हाजिर हैं आपके सामने। हर हफ्ते हम प्रयास करते हैं कि जो भी फिल्में आती हैं, जो भी वेब सीरीज आती हैं, जो भी किताबें आती हैं, कविताओं की इर्द गिर्द की हम बात कर सकें। हमारा क्या ओपिनियन है उस फिल्म को लेके, हमने जब वो फिल्म देखी तो कविशाला को कैसी लगी वो फिल्म, उन विचारों के साथ हम हर हफ्ते हाजिर होते हैं। इसी श्रृंखला में आज जिस फिल्म की परिचर्चा हम करने वाले हैं, कुछ समय पहले हमने ओपिनियन कराए थे कविशाला में विभिन्न श्रेणियों को लेके, जो फिल्में हैं, जो अभिनेता हैं, जो अभिनेत्रियां हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, कहानियां हैं, गाने हैं, इन सब को लेकर एक अलग तरीके के जो पोल्स हैं हमने अपने सोशल मीडिया पे कराए थे, जिसमें कम से कम 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट करा और अलग अलग कैटेगरी में उन्होंने वोट करे। उसमें से एक फिल्म निकल के आई थी जिसका नाम है 12th फेल फिल्म। मुझे लगता है सभी ने देखी होगी और सभी को कुछ ना कुछ मोटिवेशन उस फिल्म से जरूर मिली होगी। कहानी बड़ी आसान है कि एक व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति अपने गांव में रह रहा होता है, बुंदेलखंड जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे चंबल एक जगह है। चंबल के मनोज कुमार शर्मा वहाँ पे रह रहे होते हैं, जिनके पिता एक बहुत ईमानदार ऑफिसर होते हैं और उस ईमानदारी का जो दुष्परिणाम है, मैं बोलूँगा कि जो ईमानदार होने के दुष्परिणाम है, हमेशा से जो सिस्टम रहा है उसने इस तरीके से ईमानदार लोगों को परेशान किया, तो उन्हीं परेशानियों से उनके पिता और पूरा परिवार जूझ रहा था। लेकिन उनके जो बाबा थे वो आर्मी में थे और किस तरीके से आर्मी में सूबेदार थे, तो उन्होंने जिस तरीके से सीख उनके बेटे ने ली और उनके बेटे के बाद उनके बेटे ने ली। तो मनोज कुमार शर्मा एक ईमानदार व्यक्ति होते हैं। इवन वो बचपन में अपनी 12वीं की जो परीक्षा है उसको पास करने के लिए कई बार नकल करते हैं, लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर उस जिले में एक ऑफिसर बन के आते हैं और उस ईमानदारी के चलते उन्होंने उस जिले की जो उस गांव की नकल होती है वो नकल नहीं होने देते और मनोज कुमार शर्मा उस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। मुझे लगता है यही कारण है इस फिल्म का नाम 12th फेल है। वैसे तो जो 12th फेल नॉवेल है, किताब है, उपन्यास है अनुराग पाठक की, उस पर आधारित इस फिल्म को बोला जा सकता है कि 12th फेल किताब पे आधारित है यह फिल्म। लेकिन एक व्यक्ति की जो जिंदगी है, एक जीती जागती जिंदगी है, उसकी वास्तविक कहानी है। आप रियल लाइफ में मनोज कुमार शर्मा से मिलिए, उनकी कहानी है, जो एक ऑफिसर है, एक ईमानदार ऑफिसर है। कहानी आगे बढ़ती है, उनके पिता ईमानदारी की लड़ाई में शहर से बाहर चले जाते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं अपनी। इसी बीच में पुत्र को एक जज्बा आता है, पुत्र जिस तरीके से सिस्टम में, मनोज कुमार शर्मा जिस तरीके से सिस्टम में चीजें देखते हैं, उनको लगता है कि वो किस एक ईमानदार ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो जिस व्यक्ति ने उनकी नकल रुकवाई थी, जिसकी वजह से वो फेल हुए थे, एक दिन उनसे पूछते हैं कि मुझे आप जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो ऑफिसर बोलते हैं कि आपको चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। मनोज कुमार शर्मा वहां से निकलते हैं उस केवल एक सेंटेंस के दम पे कि चीटिंग छोड़ के वहां से निकलते हैं। निकलने के बाद में कई जगहों पे जाके तैयारी करते हैं, ग्वालियर जाते हैं, लेकिन उस समय कुछ सरकार की तरफ से कुछ नियम आए हुए होते हैं कि पीसीएस के एग्जाम नहीं होने होते हैं। उसके बाद वो वहां से निकल के दिल्ली आते हैं, दिल्ली में अपनी पढ़ाई करते हैं। तो कई तरीके के जो स्टेप्स होते हैं लाइफ के, कई पड़ाव होते हैं तैयारी के वक्त में, उन पड़ावों से गुजरते हैं। हमारे देश के जो दृष्टि एकेडमी है उसमें विकास दिव्यकीर्ति से के सामने जाते हैं, उनकी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, अलग अलग उस समय पे जो क्लासेस चल रही होती है उनकी क्लासेस ज्वाइन करते हैं। लेकिन पैरेलली है कि उनकी लाइफ में उतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो अपनी फीस दे पाएँ, अपनी किताबें खरीद पाएँ, उसके लिए पैरेलली वो काम भी कर रहे होते हैं। तो एक गरीब ऐसा लड़का, ऐसे परिवार का लड़का जो ईमानदार ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन उसको ईमानदार ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या चुकाना पड़ता है, किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है लाइफ में, वो इस फिल्म में बताया गया। फिल्म में एक बहुत मोटिवेशनल फिल्म है, मेनली पर्सनली मोटिवेशनल फिल्म है वो, कि व्यक्ति के पास रिसोर्सेज नहीं है, व्यक्ति खुद अपने रिसोर्सेज बिल्ड करता है और उन रिसोर्सेज बिल्ड करने के साथ साथ में ये भी सिद्ध करता है कि वो एक जो व्यक्ति बनना चाहता है जिंदगी में वो बन सकता है। जो व्यक्ति, जो लोग होते हैं, किसी न किसी के एक्सक्यूज को लिए बैठे रहते हैं हमेशा, रोजाना कि आज नहीं हम कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, कारण ये है, ये इसलिए वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इन एक्सक्यूजेस से बाहर निकलकर मनोज कुमार शर्मा अपना काम करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और एक सफल ईमानदार ऑफिसर बनते हैं। यह 12th फेल की कहानी है। मुझे लगता है कि ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। कविशाला में जितनी भी हमने वोटिंग कराई, इस फिल्म को सबसे ज्यादा वोट मिले। मुझे लगता है कि 12th फेल को करीब अगर जो 50,000 लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज में अपने वोट दिए, उसमें करीब मुझे लगता है कि 79% वोट, आई थिंक 70% वोट 12th फेल फिल्म को मिला। फिल्म में विक्रांत मैसी है, जो मनोज कुमार शर्मा का रोल जिन्होंने निभाया है, और इसके अलावा जो फिल्म बनाई है हमारे देश के प्रसिद्ध निर्माता है चोपड़ा, हमेशा से अलग तरीके की फिल्में बनाते रहे, उन्होंने यह फिल्म बनाई है। फिल्म के निर्माताओं के साथ में, फिल्म के अभिनेताओं के साथ में, अभिनेत्रियों के साथ में, इस फिल्म की कहानी कितनी भी ये फिल्म की वास्तविक जिंदगी पर आधारित हो, लेकिन आपको आपकी व्यक्तिगत जिंदगी पे आपको मोटिवेट करेगी और इस फिल्म से आप जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। फिल्म अब OTT पे भी अवेलेबल है, तो फिल्म देखिए और हमें बताइए फिल्म आपको कैसी लगी। धन्यवाद।